हाल ही में जेएमएम ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में ले लिया था। वहीं अब एक और नेता के जेएमएम में शामिल होने की खबर सामने आई है। जेएलकेएम का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अकील अख्तर ने बीच चुनाव में जेएमएम का दामन थामकर जेएलकेएम को दोहरा झटका देने का काम किया है। झारखंड चुनाव के बीच जेएलकेएम को बड़ा झटका लगा है। जेएलकेएम यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इसके साथ ही रिजवान ने गांडेय सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है। बता दें कि गांडेय सीट से जेएमएम की कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। रिजवान जेएलकेएम का बड़ा चेहरा माने जाते थे। ऐसे में अगर वो जेएलकेएम से चुनाव लड़ते तो जेएमएम को नुकसान होता और वोट बढ़ जाते। इसलिए चुनाव के दौरान उनके जेएमएम में शामिल होने से जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब गांडेय सीट से जेएलकेएम का कोई भी नेता नामांकन दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि नामांकन की तारीख अब खत्म हो चुकी है। यानी रिजवान ने जेएलकेएम छोड़कर पार्टी को दोहरा झटका दे दिया है। बताते चलें कि हाल ही में जेएमएम ने लुईस मरांडी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने पाले में ले लिया था, तो वहीं अब रिजवान के भी जेएमएम में आ जाने से झारखंड चुनाव में जेएमएम की स्थिति और ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।